हाय दोस्तों, हाय मेरे जितने भी कनाडी गाइस जो मेरे व्यूवर्स है उन लोगों के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आया। ये वीडियो है उनके एक कहते हैं चैलेंजिंग स्टार जिनका नाम है दर्शन, उनके बारे में यानी उनकी आने वाली फिल्म रॉबर्ट के पोस्टर को हम लोग रिव्यू करेंगे। लेकिन ये रिव्यू काफी डिमांड पे हो रहा है, काफी कनाडी गाइस लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा था कि भाई इस पोस्टर के बारे में कुछ बताओ। लेकिन मैं उन लोगों से इतना बोलूंगा, भाई मैं इस पोस्टर के बारे में तो बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं अपने जो हिंदी ऑडियंस है, जो मैं बेसिकली मुंबई में रहता हूं, तो काफी हिंदी सब्सक्राइबर है जो कन्नड़ा एक्टर्स को नहीं जानते, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि आज मैं थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग स्टार दर्शन के बारे में बोलूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये पोस्टर मुझे कैसे लगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर और ज्यादा पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब भी कर देना, और जो साथ ही बेल आइकन है उसे भी कर देना प्रेस। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। इस एक्टर को कनाडा सिनेमा में कहते हैं चैलेंजिंग स्टार दर्शन। वो एक एक्टर है, प्रोड्यूसर है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। इनके फादर भी एक्टर थे जिनका नाम था तोगु दीपा श्रीनिवास। दर्शन की पहली मूवी एज ए लीड एक्टर थी 2001 में, जिस मूवी का नाम था मैजेस्टिक। दर्शन काफी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म में भी काम कर चुके हैं, जैसे कि करिया, नम्मा प्रीतिया, रामू, कलासी पलिया, गजा, सराथी, बुलबुल, यजम्मा। लेकिन इनके कुछ ऐसे परफॉर्मेंस भी है जो लोगों ने और क्रिटिक्स ने काफी पसंद किया था। वो फिल्मों के नाम थे अनतरा, सराथी, संगोली सरायन्ना। इनको काफी अवार्ड्स भी मिल चुके, लेकिन जैसे कि कर्नाटक स्टेट फिल्म में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, उस मूवी का नाम था संगोली रायन्ना। कहने को इनके बारे में बहुत सारी बातें जो कि एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। तो जितने भी हिंदी ऑडियंस है, मैं उन लोगों से इतना बोलता हूं, आप लोगों ने अगर बॉलीवुड के एक्टर्स को पसंद किया तो आप बारी है कनाडा एक्टर्स को पसंद करने की, उनकी फिल्मों को पसंद करने, क्योंकि उन लोगों में वो पोटेंशियल है। मैं बार बार हर वीडियो में एक ही बात नहीं कह सकता कि उन लोगों में पोटेंशियल है। आप लोगों ने यश केजीएफ के एक्टर यश को देखा है और एएसएन के एक्टर रक्षित शेट्टी को भी देखा है। अब बार ये दूसरे एक्टर्स की, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था पुणे में पुनीत राजकुमार सर के बारे में बात किया था, वो एक लेजेंड है कनाडा सिनेमा के, और उनके बारे में काफी कनाडिकास ने काफी अच्छी अच्छी बातें मुझे बताई, और उन्हीं कनाडिकास ने मुझे कहा था कि भाई रॉबर्ट मूवी का पोस्टर के बारे में बात करो जिसमें चैलेंजिंग स्टार दर्शन नजर आ रहा है। तो मैंने दर्शन के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश किया, इनके बारे में विकिपीडिया में पढ़ने लगा, तो इनके बारे में कहने को बहुत सारी चीजें जो मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, एक वीडियो में नहीं कह सकता। चल ठीक है, अब मैं इस पोस्टर के बारे में बात करता हूँ। ये दर्शन की 53rd मूवी है और ये मूवी 2020 में यानी इसी साल आने वाली है। ये फिल्म का जो पोस्टर है, पोस्टर देख के मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि फिल्म में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग पोस्टर है। अभी फिलहाल पोस्टर में ऐसा कुछ भी खास रिवील हुआ नहीं जिससे मैं आपको बता सकूं कि फिल्म में हमें क्या स्टोरी देखने को मिलेगी या किस कॉन्सेप्ट पे बनी है। इतना कह सकता कि ये एक्शन एंटरटेनर मूवी होने वाली, ये मूवी काफी आपको एंटरटेन जरूर करेगी। जितना मैंने दर्शन के बारे में विकिपीडिया पे पढ़ा या जितनी इनकी फिल्मों के बारे में मैंने ट्रेलर्स देखे, इतना समझ में आता है कि ये वहां की ऑडियंस को इनके काफी फेवरेट एक्टर्स में से एक है। अब देखते हैं कि इनकी ये रॉबर्ट मूवी कितना चलती है, क्योंकि फिलहाल तो पोस्टर काफी अच्छा लग रहा है। पोस्टर देखकर इतना तो समझ में आ रहा है कि फिल्म में कुछ अलग हटके बताया जाएगा। अब ये फिल्म हिट होती है या फ्लॉप होती है, फिल्म में कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि हिंदी ऑडियंस यानी कि मैंने आज तक नहीं देखा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल पोस्टर देखकर तो मुझे अच्छा ही लगा, मैं पोस्टर देख के ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, ना अच्छा ना बुरा, क्योंकि पोस्टर से आप लोग कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते और मैं भी पर्सनली पोस्टर से कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आप लोगों का तो मैं शुक्रिया कह सकता हूँ कि आप लोग मुझे उस काबिल समझ रहे हो कि आप पोस्टर या ट्रेलर के ऊपर या सीन्स के ऊपर आप मुझे रिएक्शन देने के लिए कह रहे हो। ये आप लोगों की बहुत अच्छी बात है जो कि आप लोग मुझे इतना मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो, इसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू देता हूँ। मैं आपसे इतना बोलूँ कि रॉबर्ट हो या पुनीत सर की युवर रत्न हो या केजीएफ चैप्टर 2 या एएसएन, कनाडा सिनेमा आज जिस तरीके से उभर रहा है वो आगे चल के कनाडा सिनेमा वालों के लिए और स्पेशली इंडियंस के लिए जो लोग फिल्म देखना पसंद करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो बस मैं इतना बोलूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना और इस वीडियो को लाइक भी करना और हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना। और अगर आप लोगों की नजर में कुछ ऐसे पोस्टर्स, कुछ ऐसी मूवीज का ट्रेलर है जो कनाडा की तरफ से रिलीज होने वाली, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपका दोस्त राशिश से कोशिश करूंगा टाइम निकालकर इन सब चीजों के बारे में रिव्यू करने की। तो बस मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। दुआ में याद रखना।